बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश व आबाद रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो जो है ये BZU के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ दिन पहले मतलब 6 अगस्त को ये एंट्री टेस्ट दिया था BSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो स्पेशल होने जा रही है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एडमिशन जो है वो आपने कैसे लेना है, और आप लोग जो है वो एडमिशन लेते वक्त पिछली मेरिट लिस्ट जो है उसको सामने रख कर फिर आप किस तरह एडमिशन ले सकते हैं वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि BSc इंजीनियरिंग के BZU में 7 डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो डिपार्टमेंट जो हैं उनका जो लास्ट टाइम मेरिट लिस्ट था, आप अपने जो है एग्रीगेट निकाल कर जो एंट्री टेस्ट का था और FSC के मार्क्स थे उनका एग्रीगेट निकाल कर जो आपको सूटेबल लगे या आपका जो फेवरेट डिपार्टमेंट हो तो आप लोग जो है वहां से आइडिया ले लें मेरिट लिस्ट से जो कि पिछले साल की थी, और लास्ट मेरिट लिस्ट में जितना परसेंटेज निकली थी वो लोग वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग जो हैं जो BZU में BSc प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है वहाँ पे एडमिशन लेने का तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि एक जो है पिक जो है डाउनलोड करके आप लोग ने वहाँ पे सारी डिटेल जो लिखी हुई है कि आपने फलां डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन लेना है तो आपने कहाँ पे जाके फॉर्म जमा करवाना है, अगर फलां में एडमिशन लेना है तो कहाँ पे जाके जमा करवाना है, वो आप लोग जो है जो BZU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एक उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इश्तियार दिया हुआ है वहाँ से आप लोग जो है वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मजीद ये कि मैंने वो जो इश्तियार दिया हुआ है उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन जो है वो ओपन करें और उस लिंक को क्लिक करें तो आपके पास सारे जो एडवर्टाइजमेंट वाला जो वो पिक है वो आ जाएगी। वहाँ पे सारा तरीकाकार भी लिखा हुआ है, मेरे फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब लगेगी और उसका चलान कब जमा करवाना होगा, ओवरऑल सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप लोग यह एक बात का खास तौर पर ख्याल रखिएगा कि BZU के जो BSc इंजीनियरिंग प्रोग्राम है या इसका ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, आप लोग जो है एक मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे एक फॉर्म जो होगा वो फॉर्म जो है आपने डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट निकाल लेना है, उसके बाद उसको आपने बाय हैंड जो है उसको फिल करके चलान भरना है। नीचे जो चलान फॉर्म दिया होगा वो चलान भरना है और बाकी जो फॉर्म जो है वो आपने मतलूबा डिपार्टमेंट में जाके जमा करवाना है। तो आप लोग जो है लास्ट टाइम की मेरिट लिस्ट देखें, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी मेरी बात समझ आ गई होगी।